हिंदुस्तान का ये स्पाइडर दुनिया को दहला देगा। स्पाइडर की ताकत से दुश्मन थर्रा उठेंगे। दुश्मनों को धूल चटाने आ गया आर्मी का स्पाइडर। जी हाँ, हिंदुस्तान की ताकतवर मिसाइल स्पाइडर को देखकर हम जितना गर्व महसूस कर रहे हैं, दुश्मन उससे कहीं ज्यादा दहशत में आ गए हैं। दुश्मनों को ढेर करने की क्षमता रखता है आर्मी का ये स्पाइडर। स्पाइडर मिसाइल जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है, यानी बेहद कम ऊंचाई में इसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर तक है। या यूं कहें कि बेहद कम समय में स्पाइडर हवा में दुश्मनों पर हमला कर सकती है। दरअसल कल भारत ने कम दूरी की और तुरंत प्रतिक्रिया करने वाली मिसाइल परीक्षणों की सीरीज के तहत स्पाइडर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए आधुनिक हथियार प्रणाली के विभिन्न मापदंडों की पुष्टि करने के लिए ये परीक्षण किया गया था। उन्होंने बताया कि स्पाइडर कम समय में हवा में दुश्मनों पर हमला करने के लिए बनाई गई है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये इजराइल से ली गई मिसाइल प्रणाली है और कम समय में इसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर तक है। हालांकि ये भारत में बनी जमीन से हवा में मार करने में सक्षम आकाश मिसाइल से छोटी है। आकाश की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में इजराइल दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर काफी बड़े रक्षा समझौते होने की संभावना है। इस दौरे में एंटी टैंक मिसाइल्स और नेवल एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की डील हो सकती है। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना के लिए स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स और नेवी के लिए बराक 8 एयर मिसाइल्स की डील अगले 2 महीने में पूरी हो सकती है। ये सौदा लगभग $1.5 बिलियन का होगा, जिसके बाद भारत के बेड़े में लगभग 8,000 मिसाइलें आ जाएंगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।